अब ले चलते आपको उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा निष्पक्ष और पारदर्शिता भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत चयनित 7,720 लेखापालों को नियुक्त पत्र वितरण प्रक्रिया का लखनऊ लोकभवन में शुभारंभ किया गया। इस दौरान सीएम योगी ने लेखापालों को संबोधित करते हुए कहा कि युवाओं का विश्वास हमारी सबसे बड़ी पूंजी है, उनके हितों के लिए सरकार पूरी ताकत लगा रही है। इसके साथ ही सीएम योगी ने सभी चयनित लेखापालों को बधाई एवं उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। आपने देखा होगा कहीं कोई भेदभाव नहीं, कोई सिफारिश नहीं। तो अगर बिना भेदभाव और बिना सिफारिश के आपको नियुक्ति पत्र प्राप्त हो रहा है तो आपकी जिम्मेदारी भी बनती है कि बिना किसी सिफारिश के प्रदेश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की, एक गरीब की ईज ऑफ लिविंग के लिए आपके स्तर पर बड़े कार्य हो सकते हैं, अच्छे कार्य हो सकते हैं और उसमें अपनी पहचान बनाना, अपने आप को स्थापित करना। सरकार यही अपेक्षा आपसे रखती है, एक गरीब के जीवन में आपका कार्य लगे, आपकी ऊर्जा लगे, आपकी प्रतिभा लगे, प्रदेश के अंदर निवेश की संभावनाओं में आपका पूरा सहयोग मिले, सकारात्मक सहयोग मिले, प्रदेश के अंदर जाति निवास और अन्य आय प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए एक जो समय सीमा हमने घोषित की है उसके अनुसार एक योग सहयोग आम जनमानस और युवाओं को प्राप्त हो, वरासत नामांतरण और पैमाइश से जुड़ी हुई कार्रवाई हम समय पे पूरा करें, कृषि को अकृषि घोषित करने के लिए प्रदेश सरकार ने रिफॉर्म किया कि 45 दिन के अंदर स्वतः अधिकारी को इसको करना होगा, अगर नहीं करेगा तो डीम्ड मान लिया जाएगा, अगर उसके बाद भी हमारे पास लंबित है और मामला कोई व्यक्ति उससे पीड़ित है इसमें जवाबदेही भी शासन स्तर पर फिर होती है। आईजीआरएस में हमारे पास बहुत सारे मामले आते हैं, आईजीआरएस के मामले इसी बात को लेकर आते हैं, हम लोग देखते हैं कोई व्यक्ति में ऑनलाइन शिकायत करता है, बताता है साहब हमने हमारी शिकायत ये थी समाधान नहीं हुआ, यहां से 15 दिन में हम उसकी समीक्षा करते हैं क्यों नहीं हुआ। जनपद स्तर में साप्ताहिक समीक्षा के लिए हमने कहा है और फिर वहां पे जवाबदेही तय होती है। और इसलिए मैं आप सभी युवाओं से कहूंगा कि एक अवसर मिला है आपको और यह अवसर आपके आगे बढ़ने के लिए, अगले 10 वर्ष तक इतनी मेहनत करिए कि 35 वर्ष की आपकी सरकारी सेवा की नींव इतनी सुदृढ़ हो कि आपके प्रमोशन भी आसानी से हो सके और आपको आगे बढ़ने का भी एक अवसर प्राप्त हो सके। आपने देखा होगा कहीं कोई भेदभाव नहीं। जालौन में उत्तर प्रदेश सरकार के अनुरूप 98 नवनियुक्त लेखापालों को नियुक्ति पत्र सौंपकर नवनियुक्त लेखापालों के नियुक्ति पत्र के बाद अब जिले में लेखापालों की संख्या बढ़ गई है। नए लेखापालों के बढ़ने से अब भूमि विवाद जैसे मामले में आसानी होगी और लंबित मामले की संख्या भी घटेगी। इससे पहले एक लेखापाल को 20 गांव के राजस्व की जिम्मेदारी थी, अब हर लेखापाल को मिलेंगे 4 गांव। वहीं नौकरी पाकर नवनियुक्त लेखापालों ने सरकार का आभार जताया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर आज जनपद में माननीय जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में लेखपालों के जो नवचयनित लेखपाल हैं उनके नियुक्ति वितरण का कार्यक्रम हुआ है। 98 लेखपालों को यहाँ पर नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। निश्चित रूप से नवचयनित लेखपालों के कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत जनपद में जो पैमाइश वरासत और मुकदमे थे कुर्रे याद के उनमें तेजी आएगी और जन सामान्य को बहुत ज़्यादा जो है वो राजस्व और भूमि के संबंधों मामलों में निजात मिल सकेगी। ये बहुत सराहनीय रहा, हम लोग सब इनको भी ट्रेनिंग दे करके इनको सीधे फील्ड पोस्टिंग कर रहे हैं जिससे कि जन सामान्य का ये काम करें। धन्यवाद। मैं बिहार में बीएससी टीचर हूँ, मैं कुछ टाइम रिजाइन दे दी थी तो मेरे को बहुत बुरा लग रहा था, उस टाइम से तो मैं घर पे ही बैठी हूँ, आज मुझे नियुक्ति पत्र मिला तो बहुत अच्छा लग रहा है। मैं सभी का आभार करता हूँ, दिल से योगी जी का भी धन्यवाद। हम 2018 से तैयारी कर रहे थे कंपटीशन एग्जाम की, लेकिन बहुत सारे पेपर निकले फिर नहीं हुआ, फिर लेखपाल का दिया था 2021 में 29 जुलाई को,
फिर उसके बाद इसका रिजल्ट आया था और आज हम लोग बहुत खुश हैं। बहुत दिनों बाद इस पर वो स्टे भी लग गया था, उसके बाद बहुत दिनों बाद 6 महीने के बाद स्टे हटा है। आज हम सब लोग बहुत खुश हैं। इस संबंध में मुझे बहुत ही हर्ष का विषय है, क्योंकि एक मध्यम वर्गीय परिवार से आने के साथ साथ ये नौकरी, एक सरकारी नौकरी आजकल मुश्किल से मिलती है, पर नियुक्ति प्रक्रिया इतनी चयनित, इतनी पारदर्शी है, उसके संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश के तहत हम लोगों को आज नियुक्ति पत्र प्राप्त हुआ। इसको लेकर हम लोग गाँव में अपनी पूरी सेवा प्रदान करेंगे। जो भी हम लोग को जानकार दिए जाएंगे उनको तत्परता से शासन के निर्देश अनुरूप पूर्ण। जालम कोतवाली क्षेत्र के ग्राम हरकोती प्राथमिक विद्यालय की रसोई में रखे सिलेंडर में भीषण आग लग गई। गैस की पाइपलाइन लीकेज होने से सिलेंडर में आग लगने से टीचर और बच्चों में हड़कंप मच गया, जिसकी सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आज 10 जुलाई 2024 को कोतवाली जालौन के ग्राम हरसौती में एक प्राथमिक विद्यालय के रसोई घर में आग लगने की सूचना पर नए क्षेत्राधिकारी जालौन एवं कोतवाल जालौन मौके पर उपस्थित हुए। जांच के दौरान ये तथ्य सामने आया कि पाइपलाइन के लीक होने की वजह से आग लगी थी। इसमें किसी प्रकार की कोई भी जनहानि या किसी को कोई चोट नहीं आई है, ना ही किसी प्रकार की कोई संपत्ति नष्ट हुई है। आग पर काबू पा लिया गया है। जो भी आगे की सूचना होगी आपके साथ।